पोंग बांध क्षेत्र के आसपास बहुत से विदेशी परिंदे मरे हैं। प्रशासन को जो सूचना मिली है उसके तहत 1700 से अधिक विदेशी परिंदों की मौत हुई है। जो प्रारंभिक रिपोर्ट जालंधर व पालमपुर से आई है जिसके हिसाब से ये फ्लू है। ये किस तरह का फ्लू है इसकी फाइनल रिपोर्ट भोपाल से आनी है जिसमें इसके वर्ल्ड फ्लू होने की पूरी संभावना है। इसी के चलते पिछले 2-3 दिन से प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने बताया कि पोंग डैम से 1 किलोमीटर एरिया को रेड जोन बनाया गया है और आगे का 9 किलोमीटर का एरिया सर्विलांस जोन बनाया गया है। इसी संदर्भ में संबंधित विभागों से बैठक कर आगामी रणनीति तैयार कर ली गई है। डीसी ने कहा कि आने वाले समय में स्प्रेड को रोकने के प्रयास होंगे और नॉर्मल पॉपुलेशन में यहां ना जाएं, उसके लिए यथासंभव प्रयास किए जाएंगे। डीसी ने कहा कि मानव जाति के लिए भी ये फ्लू घातक हो सकता है क्योंकि वर्तमान में कोविड का समय चल रहा है और फ्लू के लक्षण भी कोविड की तरह ही होते हैं। ऐसे में लोगों को हमें सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। वर्तमान में सबसे जरूरी है एहतियात रखना। कोविड काल में फ्लू की पड़ती है तो ये डबल मार होगी, इसलिए आम जनता से बार बार आग्रह किया जा रहा है कि सतर्क रहें और स्थानीय प्रशासन को संपर्क करें क्योंकि इसके चलते सभी संबंधित विभागों को अलर्ट पर रखा गया है। बैठक में निर्णय लेकर इंदौरा, फतेहपुर, ज्वाली व देहरा में चिकन मछली अंडों की सेल और एक्सपोर्ट को पूर्णमा बैन कर दिया गया है जिसके चलते संबंधित उपमंडलों में ऐसी दुकानें आज से ही बंद रहेंगी। पोंग डैम में पर्यटन व अन्य गतिविधियों को 3 दिन पहले स्थगित कर दिया गया है। डीसी ने कहा कि वर्ल्ड फ्लू के फैलने का खतरा बन गया है और ऐसे में लोग अपने मवेशियों को चराने के लिए पोंग डैम की ओर ना जाएं क्योंकि पहले ही कोविड का खतरा बना हुआ है। आम जनता से यही अपील है कि जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उन्हें अपनाएं। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स पिछले एक हफ्ते में मरे हैं पोंग डैम जो एरिया उसके आसपास। कल तक की जो हमारे पास सूचना थी लगभग 1700 के आसपास बर्ड्स मरी हैं और जो प्रारंभिक रिपोर्ट हमको जालंधर से और पालमपुर से आई है उसके हिसाब से ये फ्लू है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो भोपाल से फाइनल रिपोर्ट आनी है, जो टाइपिंग की रिपोर्ट आनी है कि किस प्रकार का फ्लू है ये, उसमें एवियन फ्लू जो बर्ड फ्लू बोलते हैं उसके होने की संभावना बहुत हाई है। और इसी को लेकर पिछले 2-3 दिनों से प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था और जो पोंग डैम का पेरिफेरी है 1 किलोमीटर का एरिया अलर्ट जोन बनाया गया है और अगला जो 9 किलोमीटर है उसको सर्विलेंस जोन बनाया गया है। आज उसी संबंध में ये बैठक हुई थी और सभी डिपार्टमेंट जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, वाइल्ड लाइफ हो जाए, वाइल्ड लाइफ के अलावा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, लोकल प्रशासन है, उनके साथ आज बैठक की गई है और आगे की जो रणनीति है वो तैयार की गई है। आने वाले समय में हमारी कोशिश होगी कि ये जो स्प्रेड है उसको कैसे रोका जाए और जो हमारा नॉर्मल पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में ये ना जाए, उसके लिए जो जो भी यथासंभव प्रयास किए जाने होंगे वो किए जाएंगे। और साथ ही साथ आज ये भी निर्णय लिया गया है कि जो पोल्ट्री है, फिश है, एग है, इन सब का जो सेल है और एक्सपोर्ट है, ये 4 जो सब डिविजन है हमारे इंदौरा, फतेहपुर, ज्वाली और देहरा टोटली बैन कर दिया गया है। और अब आज से जो दुकानें होंगी ऐसी जहां पे चिकन का मीट मिलता हो, अंडे मिलते हो, उस प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी। इससे पहले ही 3 दिन पहले ही जब हमने फैसला लिया था तो जितनी भी टूरिस्ट एक्टिविटीज़ है, जो और अन्य एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं है, उन सबको भी पोंग डैम में अभी स्थगित कर दिया गया है। हमारी कोशिश है और आपके माध्यम से हम लोगों को भी अपील करते हैं कि अपने जो कैटल्स हैं उनको पोंग डैम की तरफ अभी चराने के लिए न ले जाएं, चाहे गाय भैंस हो, किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी के लिए पोंग डैम एरिया की तरफ न जाएं क्योंकि इसका जो बर्ड फ्लू है उसको फैलने का खतरा बना हुआ है और ऑलरेडी हम कोविड के समय में कोविड से हम जूझ रहे हैं और ऊपर से अगर इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो और भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से वहाँ जितने भी लोग रहते हैं उन सभी लोगों से अपील करता हूँ कि जो गवर्नमेंट द्वारा इंस्ट्रक्शंस जारी किए जा रहे हैं उनको पूरी तरह से फॉलो करें और अपने आप को और हम सबको बचाने में मदद करें। जी, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह वशिष्ठ हूँ और रोग व्यापी विद प्रयोगशाला शिमला में कार्यरत हूँ और मैं एक नेशनल कंसल्टेंट भी हूँ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस का बर्ड फ्लू ऑपरेशंस के लिए। जी, एक ये इमरजेंट मीटिंग डीसी साहब द्वारा कांगड़ा के आयोजित की गई थी जिसमें विभिन्न विभाग जिसमें वाइल्ड लाइफ और एनिमल हस्बेंड्री एंड हेल्थ डिपार्टमेंट्स के स्पेशलिस्ट आए थे। सो अभी 1 जनवरी 2021 को एक अलर्ट जारी किया डिप्टी कमिश्नर महोदय द्वारा जिसमें कि स्ट्रॉन्ग सस्पिशन ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा
जो कि बर्ड फ्लू एक्शन प्लान 2015 भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, उसके चैप्टर 2 जो बताता है कि सस्पिशन ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा में आपको ये रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करनी है। तो इमीडिएटली 10 किलोमीटर का एरिया जो है वो कंट्रोल्ड एरिया या इन्फेक्टेड एरिया 1 किलोमीटर और 1 से 10 किलोमीटर सर्वेलेंस जोन का एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है।